आज हम अनफोल्ड करना आपके लिए हमारी बिगम मोस्ट आर्टिकल, ठीक है जी। सॉफ्ट नेट के ऊपर है, शिमर इनर के साथ इसको अनफोल्ड करेंगे आज हम। अच्छा, सबसे पहले ये देख लेंगे इसका इनर। आ गया शिमर का इनर, गिवन है सेम एज ओरिजिनल, ठीक है जी। अच्छा जी, ये आ गया है इसका फ्रंट। सॉफ्ट नेट के ऊपर सेम एज ओरिजिनल पैटर्न पे हैवी स्टोन वर्क के साथ। डिटेल चेक कर लिया फ्रंट के आप लोग, ठीक है जी। ये इसका बॉटम आ गया, सिल्क फिनिशिंग है विद हैंगिंग पर्ल्स, ठीक है जी। इसके फ्रंट पे एम्ब्रॉयडरी आ गई, क्लोजअप चेक कर लें एम्ब्रॉयडरी का। हैवी थ्रेड एंड सीक्वेंस वर्क है विद सेम एज ओरिजिनल स्टोन एम्बलिशमेंट सॉफ्ट नेट के ऊपर, ठीक है जी। क्लोजअप चेक कर लें स्टोन्स के आप लोग। अच्छा जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आ गया है इसका नेक लाइन। डिटेल चेक करें नेक लाइन की आप। हैवी स्टोन्स हैं सेम एज ओरिजिनल पैटर्न्स पे, ठीक है जी। ये इसका फ्रंट आ गया, फ्रंट का व्यू चेक कर लें आप लोग एक बार। अच्छा जी, ये आ गई है इसकी, ये इसका बॉडी पार्ट है, ठीक है। नेक के नीचे लगेगा सीक्वेंस वर्क में, ठीक है जी। ये इसकी बैक आ गई सॉफ्ट नेट के ऊपर, प्लेन बैक है। अच्छा जी, ये आ गई है इसकी स्लीव्स। डिटेल चेक कर लें स्लीव्स की, डबल स्लीव्स हैं आमने सामने। क्लोजअप चेक कर लें एम्ब्रॉयडरी का। थ्रेड है, सीक्वेंस वर्क है सॉफ्ट नेट के ऊपर, ठीक है जी। ये आ गई हैं इसकी स्लीव्स। अच्छा जी, ये आ गया है इसका दुपट्टा सॉफ्ट नेट के ऊपर, हैवी पल्लू एम्ब्रॉयडरी के साथ। डिटेल चेक कर लें दुपट्टे की आप लोग। ठीक है जी, इसके दुपट्टे का पल्लू आ गया, हैवी थ्रेड एंड सीक्वेंस लेस है कटवर्क के साथ विद हैंगिंग पर्ल्स। ये दुपट्टे की साइड्स आ गई, टू साइडेड एम्ब्रॉयडर्ड है कटवर्क के साथ, थ्रेड एंड सीक्वेंस वर्क है। क्लोजअप चेक कर लें दुपट्टे के बॉर्डर्स का। ओवरऑल पूरा दुपट्टा इसका एम्ब्रॉयडर्ड है बूटी वर्क में सॉफ्ट नेट के ऊपर। एंड ये आ गया इसका जामा वार का लहंगा। थैंक यू।